जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओमचो में एक बार दिल से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अपनी जो भी बात है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल के बारे में लिखें, किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी लिखें। इस वीडियो में बात करें कुंभ राशि के जातकों को कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको बर्बाद कर देंगे। पहले और मुख्य लोग वो है जो लोग हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और जीवन में उनकी कोई उम्मीद की नहीं, आशावादी लोग जो नहीं है ना, उनसे दूर रहना चाहिए। आशावादिता जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप हमेशा उम्मीद रखें, चाहे जैसे भी हालात हो, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद एक बहुत बड़ा शब्द है, उम्मीद इस जीवन का सत्य है। तो ईश्वर का नाम लेते हुए हमेशा उम्मीद बनाए रखें। जो लोग आपकी उम्मीद तोड़ते हैं, जो लोग आपको नेगेटिव थॉट्स बताते हैं, उन लोगों को अवॉइड करें, उन लोगों की मदद भी नहीं चाहिए आपको। क्योंकि और दोस्तों एक बात और कि एहसान लेना, न किसी व्यक्ति का एहसान मत लीजिएगा कभी। एहसान क्या होता है पता है आपको? जो रियल एहसान करने वाले लोग होते हैं वो कभी आपके दर वो नेकी कर दरिया में डाल, वो अलग बात मानते हैं। लेकिन जो एहसान करते हैं ना, वो आपसे अपेक्षा रखते हैं, आपसे किसी भी चीज़ की अपेक्षा रखते हैं। ये याद रखें, आप क्या कोई भी हो तो प्लीज़ एहसान ना लें, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये बर्बादी का बहुत बड़ा साइन है। एहसान एक अलग ही दुनिया है। एहसान अगर आप किसी पे करें ना तो दोस्तों कभी जताएं नहीं, उसे भूल जाए वहीं। दूसरे नंबर पर आते हैं जो लोग हर बार बार लोगों की चुगली आपके सामने करते हैं, बुराइयां करते हैं, वो लोगों से दूर रहे, क्योंकि वो मिसकम्युनिकेशन पैदा करना उनका पहली प्राथमिकता है। और वो बिल्कुल झूठ बोल देंगे, साफ झूठ आपके सामने, आप उसमें फंस जाएंगे। आप, मैं जानता हूँ आप पतंगड़ों से दूर रहना चाहते हैं, झगड़े झांटी जो भी हैं, झगड़े वगड़े, इनसे सबसे दूर रहना चाहते हैं। पर तकलीफ आपकी यही तो है कि उन लोगों को आप क्यों तवज्जो देते हैं जो लोग मिसकम्युनिकेशन पैदा करते हैं, उनसे दूर रहें। उन लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखने का। आप अपनी मस्ती में रहें, अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करें, अपने जीवन में जिए। उन लोगों से कोई मतलब वास्तव डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं रखना है हमें। तीसरे नंबर पर जो लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाएं। महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिला शक्ति है, माँ है, स्वरूप है और ईश्वर का रूप है। अगर आप महिला है तो महिलाओं के लिए भी ये बात कह रहा हूँ कि महिलाएं भी महिला का इज्जत करें, क्योंकि तो महिलाओं की इज्जत करना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा और विश्वास है। तो प्लीज़ दोस्तों उन लोगों को अवॉइड करें जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और बहुत बार युवा जो हैं महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जिन अगर आपके दोस्त यार हों तो उनसे भी आप अवॉइड करें, उन्हें समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या आपके लिए तकलीफ दे जाएगा और किस दिन इतनी बड़ी तकलीफ दे जाएगा कि अच्छा खासा जीवन तबाह हो जाता है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको सचेत करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा जो शराब पीते हैं उनसे भी दूर रहिएगा, नेगेटिव थाट्स जो करते हैं उनसे दूर रहें, और उन लोगों से भी दूर रहें जो लोग हमेशा आपको टांग खींचते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, जय श्री महाकाल कमेंट्स करें, जय श्री महाकाल।